हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो बेसिकली आज का जो प्लान है वो पूरा अनप्लान्ड है, अननोन जगह पे मैं जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे आना है और उसके बाद फिर फैमिली एंड सम कजिन्स हम लोग साथ में कहीं तो जाने वाले हैं। अब वो कहीं तो क्या है आई डोंट नो। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, निकलना था 7 बजे, तो निकलते हैं एंड एन्जॉय करते हैं। बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉग हो रहा है। इनफैक्ट आई गेस 3 महीने हो गए मोटो व्लॉग करके। अप्रैल में मैंने लास्ट किया था, मई जून जुलाई। तो आपको आगे चल के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इवन मुझे भी हो जाएंगी। सो लेट्स लीव नाउ। राइड से निकलने से पहले सब सेट होके अगर निकलता हूँ ना मैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। इसमें कपड़े है, गोप्रो का सामान है थोड़ा, और ये इसमें ऐसी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए स्टफ्स है, जैसे सेलो टेप्स, एम सील, इनकेस अगर लगता है वो तो। बट अभी थिंग इज़ दैट बारिश आ रही है लेकिन धूप भी है। बेसिकली अभी मुझे जाना है पाली, जो खोपोली के पास है, एंड वहाँ पे जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस राइड टू। घर से निकलने के टाइम तक मेरा फिक्स नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ कि नहीं, क्योंकि दिल कह रहा था निकल जा, क्योंकि बहुत दिनों से मोटो व्लॉग भी नहीं किया है, प्लस बहुत दिनों से ऐसी राइड भी नहीं की है। मानसून की ये कहो पहली राइड है, और दिमाग कह रहा था मत जा, आगे बहुत बारिश है ऐसा दिख रहा है क्योंकि पूरा डार्क हो गया है। गोप्रो को वाटरप्रूफ बनाना था, ये मेरे लिए बड़ा टास्क था, क्योंकि अगर गोप्रो में पानी गया गलती से तो उस पर जो खर्चा बैठेगा मुझे, फिर व्लॉगिंग ही बंद करनी पड़ेगी मुझे। इसके लिए फिर रिस्क नहीं लेना था, उसको सेलो टेप लगाया है। Check the mic and make sure it sound right, boys. राइट साइड में है गणपति मंदिर, अष्टविनायक क्षेत्र महड़। अभी वड़ा पाव और छाछ या फिर कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। बारिश में कैसा है, एक साइड में जो स्टॉल रहता है ना, तो वहाँ पे खाने के लिए बड़ा मज़ा आता है होटल से ज़्यादा। अगर आप फैमिली के साथ हो देन होटल इज़ प्रिफरेबल, लेकिन अगर आप सोलो हो तो फिर बाइक खड़ी कर दो और मस्त एकदम बारिश हो रही है, चाय कॉफ़ी आप पी रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, भजिया खा रहे हो, आ हा। रीच खोपोली, मुंबई पुणे टोल द्रुतगति मार्गे मार्गे भाई मार्गर रहता है कि मार्गर रहता है। सैटरडे संडे की गर्दी है सब। थैंक यू। ओहो, लुक एट दिस इमेजिका। नहीं मीच है, नक्की मीच है। हेलो हेलो, हे कैमेरा है ना, कोरोना गेला। एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, अभी मैंने रेनकोट रेन पैंट निकाल के रख दिया है, अभी आएगी बारिश। अभी यहाँ पे मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। चलो हो गया नाश्ता, और मैंने जैसे बोला था ना रेनकोट रखते हो कि जैसे ही रेनकोट निकालूंगा बारिश आएगी, आई। हम दोनों ने भी रेनकोट पहना, बारिश गई। अगर नहीं पहनते तो बारिश आती थी। अभी जाएंगे गणपति मंदिर, और उसके बाद पाशापुर करके एक गांव है वहाँ पे जाना है। बेसिकली सुधागढ़ फोर्ट का जो बेस है वहाँ पे। मेरे ख्याल से जब से श्रेयस ने एंटर्क लिया है तब से ये उसकी सेकेंड लॉन्ग राइड हो सकती है। क्या एंट्री है मंदिर में जाने के लिए। हम लोग एक्चुअली रास्ता भटक गए थे, तो ये आगे जो अंकल है उन्होंने रास्ता बताया हमें। हेलो,
आम्ही रेनकोट काढला की पाऊस येतोय आणि घातला की पाऊस गायब होतोय. आता काढू नको, आता इथे पाऊसच राहील. देखो बारिश में जितना मजा आता है ना गाड़ी चलाने का, उतना ही रिस्क भी रहता है, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाते हैं तो अपने को आराम आराम से और फोकस रह के गाड़ी चलानी पड़ती है. बहुत सी जगहों पे स्पीड ब्रेकर बनाए रहते हैं, ये देखो अभी इस पर पेंट नहीं है या रिफ्लेक्टर नहीं रहते, एटलीस्ट उन्होंने वाइट लाइन तो बनाई है पहले और बाद में. लेकिन बहुत से ऐसे जगहों पे स्पीड ब्रेकर से जिसपे ना रिफ्लेक्टर ना कुछ, और लोग उस पर से डायरेक्ट आके हवे में उड़ते हैं, इवन कार हो बाइक हो, क्योंकि अंधेरे में या फिर ऐसे टाइम पे वो इतने जल्दी नहीं दिखता है. और ये जो आपको दिख रहा है पहाड़, ये है सुधागढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का ये किला है. सो मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो मैं जाऊंगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी जाना है. और क्या ही अलग वाइब है यार यहाँ की. ये देखो मैं खुद की बात बताता हूँ कि ये सब ना मैंने फोटोज़ में देखा है जनरली, कि खेती हो रही है, बैल है एंड फार्मर्स, ये सब फोटो में देखा था मैंने, लेकिन आज रियल में देखने मिल रहे हैं सब. लास्ट ट्रैक जो मैंने किया था ना, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आगे से कभी मैं ट्रैक नहीं करूँगा जब तक मैं मेरा स्टैमिना बिल्ट ना करूँ. और आज वही सीन है कि मेरा स्टैमिना नहीं है या मैंने उस पर वर्कआउट नहीं किया था, एंड आज ट्रैक नहीं करना है मुझे. मैं घूमूंगा चाहिए तो पैदल इधर, लेकिन ट्रैक नहीं करना है. ओके यहीं पर रुकना है. एक दोन तीन तगडावर जाणार. मला ऐकू नाही येत. तू येणार आहे, तू येणार आहे. मी नसतो येत. अरे रायगड सारखंच आहे. हो ना, जाऊन ये ना. रायगड बघितलं आहे तो रायगडचं कॉपी आहे. हो ना, हा मग काय सेम सेम काय बघणार. तर आणि वरती एक वाडा पण आहे. नसतं.